आज मैं बना रही हूँ व्रत में खाई जाने वाली आलू की सब्जी। ये बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाती है, एकदम फटाफट, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसमें और बहुत टेस्टी बनती है। तो नवरात्रि आ रही है, तो नवरात्रि के लिए मैं बना रही हूँ स्पेशल व्रत में खाई जाने वाली आलू की सब्जी। तो आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे इंडक्शन पे एक कढ़ाई रख दी है और इसमें डालेंगे देसी घी। तो मैं यहाँ पे 4 चम्मच देसी घी ऐड कर दूंगी। घी हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे ये मूंगफली के दाने जो मैंने आधा कटोरी लिए हैं, इनको हम घी में भून लेंगे अच्छे से। तो ये हम घी गरम हो जाने के बाद डाल देंगे और इनको चलाते हुए भून लेंगे घी में। तो ये मूंगफली के दानों को हमने 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लिया है। तो आप देख सकते हैं ये मूंगफली के दाने हमारे अच्छे से भून गए हैं। अब हम इनको एक अलग कटोरी में निकाल लेंगे। तो ये दाने मूंगफली के हमारे भून गए हैं, इनको मैंने अलग निकाल लिया है। अब इसी कढ़ाई में हम आलू की सब्जी बनाएंगे। तो घी हमारा पहले से बचा हुआ है जिसमें हमने दाने सेके थे, अब हम इसमें 4 चम्मच घी और ऐड कर देंगे। तो घी हमारा गरम हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच जीरा। अगर आप व्रत में जीरा नहीं खाते हैं तो जीरा ना डालें और जीरे को हम भून लेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, मीडियम टू लो। और अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्ची जिनको हमने इस तरीके से बड़ा काट लिया है, ये भी डाल देंगे और इनको भून लेंगे। और हम इसमें ऐड कर देंगे 7 से 8 करी पत्ता, इसको भी चला के हल्का सा भून लेंगे। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज के आलू जिनको मैंने चौकोर चौकोर छोटा छोटा टुकड़ों में पतला पतला काट लिया है और इनको अच्छे से धो लिया है। और इनको अब हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें सेंधा नमक ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच सेंधा नमक ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से आलू में मिक्स कर देंगे ताकि आलू हमारे जल्दी गल जाएंगे। अब हम ये ढक देंगे आलू की सब्जी को और इसको 2 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे आलू गलने तक पका लेंगे। एक बार हम बीच में आलूओं को चला देंगे ताकि आलू हमारे अच्छे से गल जाएं। तो आलू हमारे अच्छे से गल गए हैं, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच काली मिर्ची डालूंगी और थोड़ा सा डालूंगी लाल मिर्ची पाउडर, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, ये अच्छे से डाल देंगे इसमें। और अब हम ऐड करेंगे इसमें जो हमने पीनट्स भून के रखे थे यानी कि मूंगफली के दाने, ये भी ऐड कर देंगे इसमें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ये 1 नींबू का रस जो मैंने पहले से निकाल के रखा था, ये भी इसमें ऐड कर देंगे और इसमें डालेंगे हरा धनिया
और गैस या इंडक्शन का फ्लेम हम कर देंगे बंद और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फटाफट आलू की व्रत में खाई जाने वाली चटपटी सब्जी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।